हुंजा में आज हमारा पहला दिन है। एक बेहतरीन सनराइज के साथ सुबह का आगाज हुआ। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम फाइनली वो जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके लिए नॉर्थ फेमस है और लोग अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ ट्रेवल करने के लिए आते हैं। We woke up a little while ago. We've just had breakfast, just getting some pictures and taking in the view. Then we're going to go to Hopper Glacier and Attabard Lake. हाँ जी, सीन थोड़ा चेंज हो गया है। होपर ग्लेशियर हमने कल पे डाल लिया है क्योंकि वो रास्ते से थोड़ा बाहर है और आज हम पासू, अताबाद लेक और हुंजा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियोस पे सपोर्ट दिखाने का बहुत शुक्रिया। हम वीकली वीडियोस बनाते हैं जिसमें ट्रैवल करते हुए हम वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री, कल्चर और फूड पे फोकस करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अताबाद लेक गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हुंजा में गुजाल रीजन में वाकिया है। ये लेक जीबी की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि यहाँ आपको हर किस्म की एक्टिविटीज करने को मिलेंगी जिसमें बोटिंग, जेट स्कीइंग, फिशिंग और बहुत कुछ शामिल है। इधर हम लक्सस रिजॉर्ट पे आए हैं और क्योंकि विंटर्स में लेक फ्रीज हो जाती है एंड इट्स टू कोल्ड फॉर टूरिस्ट, तो एक्टिविटीज भी बंद हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली हमें ये देख के काफी खुशी हुई कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं है जिसकी वजह से जगह बहुत पीसफुल वाइब दे रही है। अताबाद लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि लास्ट टू ईयर से बहुत तेजी के साथ श्रिंक हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुंजा रिवर ने इसका स्पिलवे इरोड कर दिया है और अगर इसी पेस के साथ पानी अपना लेवल कम करता रहा तो बहुत जल्द ही ये खाली हो जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ गुजारा हुआ वक्त और भी कीमती महसूस होने लगा। आइकॉनिक ब्रिजेस ऑफ द नॉर्थ, राइट इन फ्रंट ऑफ पासू कोंज, जो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान की सबसे फेमस फीचर्स में से एक है। ये कोन शेप की चोटियां लाइमस्टोन्स की बनी हैं और तकरीबन 6106 मीटर की बुलंदी को छूती हैं। पासू कोंज बतूरा मस्तक माउंटेन रेंज का हिस्सा है जो कि हुंजा वैली में विलेज ऑफ पासू के सामने है। हुसैनी ब्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक रोप ब्रिज माना जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ये नॉर्दर्न एरिया के बेतहाशा रोप ब्रिजेस में से सबसे लंबा वाला रोप ब्रिज है। ये हुंजा रिवर के ग्लेशियर से आने वाले पानी के ऊपर बना हुआ है जो कि कराकरम रेंजेस के पहाड़ों को मिलाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बस धागों से जुड़ा है और बेशक जैसे ही हवा चलती है ये पूरा ब्रिज और इसकी कमजोर लकड़ी के फट्टे लहराने लगते हैं। ये ब्रिज 70 साल पुराना है और इसके बारे में हमने बड़ी खौफनाक कहानियां सुनी थी, लेकिन इसको दूर से देख के हमने भी बोला बड़े कॉन्फिडेंस से कि ये तो बच्चों वाली गेम है। लोकल्स को गुजरता देख के हम और इजी हो गए और हमने सोचा ये गोरे आके यहाँ वैसी बातें करते हैं और डर जाते हैं, लेकिन फिर हमारी बारी थी इसको क्रॉस करने की और आपको एक बात बताऊं, अनीस इसको देख के पहले ही बैकआउट कर चुका था। बिस्मिल्लाह करके उसामा ने सबसे पहले क्रॉस करने का फैसला किया। जितनी देर में उसने एक साइड क्रॉस की उतनी देर में 5 जिपलाइन वाले होके भी आ गए। फन फैक्ट, इस ब्रिज के 399 स्टेप्स हैं, यानी कि एक कम 400, और फट्टों के गैप्स इतने हैं कि गिरने का खतरा बहुत रियल था। एट फर्स्ट ग्लांस ऐसे लगा कि यहाँ सिर्फ फोन गिरने का खतरा है, लेकिन ये केबल्स जो लकड़ी के नीचे जा रही थी इनमें इतनी ढील थी कि अगर कोई स्लिप हो तो वो साइड पे पुश हो जाएंगी, मतलब आप छिलते हुए नीचे गिरेंगे। इस हाइट से नीचे पत्थरों में गिरना और वो भी ग्लेशियर वाले पानी में गिरना, यानी कि मौत को दावत देने वाली बात थी। ये वाकई बहुत खतरनाक ब्रिज था। आधे रास्ते में सामने से एक लोकल बाबा जी आ रहे थे और उनको देख के उसामा ने शर्मिंदगी में अपना पेस तेज कर दिया। Crossed the Hussaini suspension bridge and that thing was sketchy. That was really sketchy. There's big gaps along the way and then once you're in the middle it just starts shaking and moving about like that and it's really unnerving. And when I was halfway through the people started yelling
from the other side of the mountain to this one, and I had no idea what they were saying, so I got even more scared. And I was like, am I going to fall off? Is something going to snap off? I had no idea, so I was panicking. I tried not to keep my hands on the sides. I saw the locals, like, they were just literally walking without any support. But after maybe 5 steps, I was like, that, I need to hold on there. There's no way I'm going to do that. I will need to make it all the way back. I'm shaking, man. It's not that scary, it's just unnerving because it's really cold, and the metal that you're holding onto, like, it's extremely cold on your hands, and I've got no gloves. So I'm gonna take a breather and then head back slowly. My shoulders hurt from holding my arms up so high. Let's see how Fuki does. Bon jayega. हाँ बड़ा लंबा है ना टाइम लगता है हाँ पहले मैंने देखा मैंने कहा इजी सीन है ब्रो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया क्या कह रहे थे मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है कुछ टूट रहा है कुछ गिरने वाला है सही है ये वो जगह है जहाँ हम रिकमेंड तो करते हैं कि आप आके इसको देखें जरूर लेकिन क्रॉस ना करें हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से इसको काफी टाइम लगा के क्रॉस तो कर लिया लेकिन अब हमको वापस भी जाना था ताकि हम हमजा की तरफ निकल सकें center of the bridge. You can see Basu cones in the background and the bridge is shaking in the center. I've got an extreme fear of heights. So what I like to do to challenge myself is go summit mountains and do sketchy shit like this. Don't want to give in to the fear, basically. Doesn't mean I'm not afraid anymore. It just means I'm more comfortable taking risks, walking on a sketchy bridge with no gloves, holding onto a very cold steel cable. Seems like it's extremely rusty. On wooden planks that look extremely old. Some of them are cracked. And a phone in my hand. So go out there and challenge yourself. And don't die. Or at least don't tell your parents.